गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चैप्टर 7 है हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। ध्यान देना, ये हमारा चैप्टर 7 है जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अभी तक हमने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा? तो अभी तक हमने पढ़ा चैप्टर 1 to 6। चैप्टर 1 to 6 ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये क्या समझाना चाहा चैप्टर 1 to 6, तो ये समझाना चाहा हम लोगों को कंज्यूमर के बारे में। इसके बारे में समझाया, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़े अभी तक। या फिर इसी को हम लोग अदर वे में क्या लिख सकते हैं, तो कंज्यूमर करता है डिमांड, तो हम लोग किसके बारे में पढ़े? थ्योरी डिमांड के बारे में। चैप्टर 1 to 6 में हम लोगों ने कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, या फिर अदर वे में मैं कहूँ तो थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में हम लोगों ने बातें की। लेकिन अब इस चैप्टर से हमारा इसका काम खत्म हो गया। इस चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर के बारे में पढ़ना यहाँ से बंद कर देंगे। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सर प्रोडक्शन के बारे में। और प्रोडक्शन का काम कौन करता है? तो प्रोडक्शन का काम करता है हमारा प्रोड्यूसर। कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। या फिर हम लोग कह सकते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। हर एक चीज देखेंगे क्या होता है, कैसे हमारा प्रोड्यूसर बिहेव करता है और कैसे हमारा सप्लाई का काम होता है। तो ये सारी बातें करेंगे। कहने का मतलब है अभी चैप्टर 7 से हम लोगों को वो सारी बातें सीखनी है जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है हमारा प्रोड्यूसर से। या फिर मैं अदर वे में बात करूं किसके बारे में हम लोग समझेंगे, तो वो सारे चीज जो कि रिलेटेड है सप्लाई से। अब ध्यान आया, अब हम लोग एक एक करके और इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात समझेंगे प्रोडक्शन का मतलब। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन का मतलब देखो क्या होता है, तो प्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेस। या फिर इसी को हम लोग अदर वे में लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेस। प्रोडक्शन का मतलब अभी तक आप लोग क्या समझ रहे होगे? और प्रोडक्शन का मतलब अभी तक आप लोग समझ रहे होगे कोई चीज बनाना, कोई चीज मैन्युफैक्चर करना, सीमेंट मैन्युफैक्चर करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं पेंट का मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब अभी तक आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। कार का प्रोडक्शन करना, कार का मैन्युफैक्चरिंग करना, सिर्फ आप लोग के दिमाग में अभी ये आ रहा कि सर प्रोडक्शन का मतलब ये चीज होता होगा। लेकिन ध्यान देना, इकोनॉमिक्स में सिंपल सा ही चीज है। प्रोडक्शन का मतलब है अगर मैंने क्या किया, यूटिलिटी क्रिएट किया। अगर मैंने यूटिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या है, मैंने यूटिलिटी बढ़ाया, एडिशन किया यूटिलिटी का। अगर मैंने यूटिलिटी का क्रिएशन किया या फिर एडिशन किया यूटिलिटी में, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कह सकते हैं। अब यूटिलिटी ये वर्ड
ये वर्ड आप लोग को पहले भी आपने ये वर्ड देखा है। कहाँ देखा है? तो कंज्यूमर बिहेवियर में मैंने ये वर्ड आप लोग को समझाया भी था। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी गुड्स का वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, वो उसका यूटिलिटी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ये मैं बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर का। अब यहाँ पे किसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है? तो मैं मान लेता हूं एप्पल का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। हम एक आदमी है, मेरा नाम क्या है? सुमित। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एप्पल खरीदता हूँ, यहाँ से मैं एप्पल खरीदता हूँ और इसको मैं पैक करता हूँ एक अच्छे से छोटा सा कोई कंटेनर, मान लो किसी भी चीज का कंटेनर, मान लो मान लेते हैं लकड़ी का ही कोई एक डब्बा है, ऐसे मैं पैक करता हूँ। और यहाँ पे पैक करने के बाद, इस चीज को पैक करने के बाद मैं क्या करवाता हूँ, तो इसको ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स में, इसको मैं क्या करता हूँ, ये मेरा ट्रांसपोर्ट का गाड़ी, ये ट्रांसपोर्ट का मान लो कोई गाड़ी है हमारा, इस ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से मैं क्या करवाता हूँ, इसी एप्पल को लाके कहाँ बेचता हूँ, बिहार में, यूपी में। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इस एप्पल को जम्मू कश्मीर से लाके बिहार में बेच रहा हूं? क्या सर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं? बता रहा है कि क्या मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं? एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्या है? तो मैं बना रहा हूं, ये हमारा पानी। पानी किस चीज का है? तो ये पानी है गंगा रिवर का। और ये मैं क्या बना रहा हूं? तो ये मैं बना रहा हूं मिट्टी। ये सारा क्या है? तो गंगा रिवर के पास का ये सारा सॉइल है, ये सारा गंगा रिवर का सॉइल है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मिट्टी को निकाल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मिट्टी को निकाल ले रहा हूं और मैं ये किसको दिलवा रहा हूं? तो वो आदमी जो किस चीज का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है? कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। आप लोग को पता हो तो होगा कि जब भी घर वगैरह बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे मिट्टी डालते हैं उसके बेस पे। और ये मिट्टी कहाँ का मिट्टी होता है? तो आप लोग को पता है ये मिट्टी हमारा गंगा रिवर के पास का मिट्टी होता है। अब यहाँ पे मैं ये काम कर रहा था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, गंगा जी का मिट्टी मैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मैं यहाँ से लेके मैं उनको सप्लाई करता हूँ। अब आप मुझे बताना है कि क्या मैं यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। एक और एग्जाम्पल देखना है। मैं हूं टीचर और मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरे पास ढेर सारे बच्चे हैं, मेरे पास ढेर सारे बच्चे हैं, मैं उनको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। और तो मान लेते हैं हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ये सेराम में पढ़ा रहे हैं, सेराम में हम पढ़ाते हैं और आप उनसे जुड़े हुए हो। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैंने सेराम के लिए जो काम किया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेराम ने कुछ प्रोडक्शन किया? अब आप मुझे ये बताओ, क्या तीन चीज में कौन सा प्रोडक्शन है और कौन सा प्रोडक्शन नहीं कहे? बताओ, पहला एग्जाम्पल, क्या ये प्रोडक्शन है?
नो सर। पहला एग्जाम्पल में सभी लोग का जवाब है ये प्रोडक्शन नहीं है, किसी नहीं का जवाब ये है कि ये प्रोडक्शन है, सबका एक ही जवाब आया कि सर ये वाला प्रोडक्शन नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये क्या है, क्या ये प्रोडक्शन है, सर। ये आया, बहुत लोग का जवाब आया यस, किसी का इसमें जवाब नो भी है। यस हाँ बहुत लोगों का जवाब यहाँ पे नो भी आया, वेरी गुड। क्या ये वाला प्रोडक्शन होगा, सर। यस सर। किसी का जवाब ये भी है कि ये प्रोडक्शन नहीं है। नो सर। सबका जवाब है कि ये प्रोडक्शन है ही। यस सर। चलो नो कि सर। हाँ किस, हाँ मैं कह ही रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यस हो और कोई नाम ना बोलने वाला ना हो, ऐसा कहाँ से हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर है। अब ध्यान देना, लेकिन मजेदार वाली बात यहाँ पे ये है कि आप लोग को जो मुझे लग रहा था वो आप सबके मन में डाउट है, ठीक है। यहाँ पे मजेदार वाली बात यह है कि मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कोट किए सारे के सारे प्रोडक्शंस है। क्या वो कहना चाह रहे हैं सर, ये भी प्रोडक्शन है, हाँ ये भी प्रोडक्शन है, वो सर वो भी प्रोडक्शन है, ये सर ये भी प्रोडक्शन है। कैसे सर, हमको तो बात आपकी समझ में आई नहीं। तो आप देखो, अब सोचो बिहार का आदमी एप्पल खरीदना हो, तो अगर यहाँ पे मैं नहीं रहता और ये मान के चलो कि ये काम सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, ध्यान के जल्ला, ये काम सिर्फ मैं ही कर रहा हूं अभी फिलहाल, ये आप लोग को मान के चल रहा है। तो आप सोचो अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो बिहार के लोगों को एप्पल खाना होता तो दो ही ऑप्शन से, या तो नहीं खाते या फिर वो क्या करेगा, कोई ऐसा जुगाड़ लगाएगा जिससे जम्मू एंड कश्मीर का एप्पल इसको मिल जाए। अब आप मुझे ये बताओ, जब कोई बिहार में है और एप्पल यहाँ पे है तो इसके लिए ये खरीदना मुश्किल है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी एप्पल को ला रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या मैंने इस एप्पल का यूटिलिटी मैंने बढ़ाया, बताओ। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो एप्पल जम्मू एंड कश्मीर में है उसको बिहार तक लेके आ रहा हूं, क्या मैंने उसके यूटिलिटी, क्या मैंने उसका वांट सेटिस्फाइंग पावर को मैंने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, क्या मैंने उसमें यस कुछ सर। यूटिलिटी ऐड किया। हाँ मैंने मेहनत किया, मेहनत करने से क्या हुआ, जो गुड्स पहले अवेलेबल नहीं थे मैंने उसको अवेलेबल करवा दिया। कहने का मतलब क्या है, मैंने इस एप्पल में और यूटिलिटी ऐड कर दिया। पहले ये एप्पल जम्मू एंड कश्मीर में था तब मे बी ये बिक भी नहीं पाता होगा बिहार में, लेकिन एक काम किया मैंने, इस चीज को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, और ट्रांसपोर्टेशन से क्या किया, हमने यूटिलिटी को ऐड किया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यूटिलिटी क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट या फिर मूवमेंट। हम एक गुड्स को दूसरे जगह पे ले आए, इससे भी इसकी यूटिलिटी बढ़ गई। पहले जो ये एप्पल इसको नहीं मिल रहा था, अब मेरे एक काम की वजह से ये एप्पल बिहार वाले को मिलने लगा। तो मैंने क्या किया, पहले इस एप्पल में कम यूटिलिटी था, क्यों, क्योंकि ये बिहार वाले लोग को तो मिल ही नहीं पा रहा था, लेकिन हमारे एक काम से, मेरे एक मेहनत से अब ये बिहार वाले को भी मिलने लगा। कहने का मतलब इस यूटिलिटी अब बढ़ गया। तो
तो जब भी यूटिलिटी का क्रिएशन हो, जब भी यूटिलिटी पहले से ऐड हो, सिंपल सा सोचो, इतना भी नहीं, मैं सिर्फ इस एप्पल को कंटेनर में फिल करके भी बेच रहा हूं, तब भी मैंने कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी ऐड किया। पहले ये ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको क्लोज टाइट कंटेनर में रखा, तब भी मैंने कुछ ना कुछ इसके वैल्यू में एनहांस किया, मैंने यूटिलिटी को ऐड किया। आप सोचो, जो एप्पल जम्मू एंड कश्मीर में 25 रुपए केजी मिलेगा, क्या मैं ये सारा काम ट्रांसपोर्टेशन का करने के बाद क्या मैं इस एप्पल को बिहार में 25 में बेचूंगा या फिर उससे ज्यादा में बेचूंगा? ज्यादा में बेचूंगा। लेट सपोज मैं मान रहा हूँ 30 रुपया, तो यहाँ पे पहले 25 का बेनिफिट दे रहा था। ध्यान रखना, ये एप्पल पहले 25 रुपये के बराबर था, लेकिन मेरे एक काम की वजह से इस एक एप्पल का वैल्यू 30 रुपया हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले इसमें 25 रुपये का सेटिस्फेक्शन था, अब इसमें 30 रुपये का सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी बढ़ रहा है। और जब भी यूटिलिटी का एडिशन हो, क्रिएशन हो, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ बनाएं अद्भुत सा चीज, प्रोडक्शन का सिंपल सा ही मतलब है किसी भी चीज में यूटिलिटी को ऐड कर देना, दिस इज प्रोडक्शन। और भी एग्जांपल, गंगा का मिट्टी लाया कुम्हार, और कुम्हार क्या बना दिया, बहुत सारा मूर्ति बना दिया, बहुत सारा डॉल बनाया, भगवान की मूर्ति बनाया, और भी बहुत सारा बहुत कुछ बनाया। क्या ये भी प्रोडक्शन किया सर? हाँ, ये भी प्रोडक्शन किया। क्यों प्रोडक्शन किया सर? देखिए, गंगा का जो मिट्टी था, पहले उसको कोई यूज नहीं कर रहा था, फिर भी उसमें यूटिलिटी है। हम क्या कर रहे हैं, इस मिट्टी को लेके आए, इससे हम क्या बना दिए, ढेर सारा छोटा छोटा खिलौना बना दिए, अब इसको हम लोग मार्केट में बेचेंगे। अब सर किए क्या हमने, पहले ये मिट्टी जो गंगा के नदी के पास था, उसका कम वैल्यू था, लेकिन जैसे ही मैंने उसका मूर्ति बना दिया, इसका वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब सर, पहले इसमें कम यूटिलिटी था, क्यों, क्योंकि ये तो गंगा जी के पास है, कौन जाएगा वहां पे, लेकिन इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, लेके बना दिया खिलौना। खिलौना बनने से क्या हुआ, अब इसका यूटिलिटी सर बढ़ गया। यूटिलिटी बढ़ गया क्या? हाँ सर बढ़ गया। तो यूटिलिटी का बढ़ने का मतलब ही होता है कि प्रोडक्शन हुआ। और ध्यान दो, मैंने क्या किया था इस वाले एग्जांपल में, कि गंगा जी का मिट्टी लाके क्या कर दिया, उन लोगों को दे रहा हूं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अब सोचो, जिस समय गंगा जी के पास रिवर था, वो उस समय भी उसमें यूटिलिटी था, लेकिन कम था। लेकिन जब मैं इसको यहां से निकाल के मैं मार्केट में लेके आ रहा हूं, तो मैं वॉक कर रहा हूं, मैं अपना मेहनत लगा रहा हूं, मैं एफर्ट लगा रहा हूं, इस वजह से इस गंगा रिवर का जो सॉइल है, उसका पहले के कंपेयर में जब ये मार्केट में आ गया, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अदर वे में मैं बात करूं, उसमें ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। कोई आपसे सिंपल पूछेगा, मैं मिट्टी दूंगा, एक गंगा जी के किनारे दूंगा, एक दूंगा, आप जहां बना रहे हो वहां पे, आप कहां लोगे? तो आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, जहां पे हम बनवा रहे वहीं पे दे दो। तो ये जो मैंने यहां से यहां तक का काम किया, मैंने क्या किया, तो यूटिलिटी को ऐड किया। पहले इसमें कम वैल्यू था, मैंने आप थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिया, तो ये क्या है, हमारा यूटिलिटी का एडिशन, ये भी प्रोडक्शन है। अब ध्यान देना, श्रीराम मैं पढ़ा रहा हूं, अब आप लोग बच्चे हो, ठीक है, अब क्या आप लोग समाज में किसी काम के हो या फिर ऐसे ही हो? तो बोले सर इतना भी तो हम नहीं है, कुछ तो है ही हमारा, कुछ ना कुछ लो, हम भी कुछ ना कुछ काम के ही है। तो कहने का मतलब है, आप में भी वांट का सेटिस्फाई करने का पावर है, लेकिन
तो मैं क्या कह सकता हूं कि आप में भी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगा। अब आप यहाँ पे क्यों आते हो? तो सर सीखने के लिए आते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, आप पढ़ लिख जाओगे तब आपके पास ज्यादा यूटिलिटी रहेगा या फिर नहीं पढ़ोगे तब ज्यादा यूटिलिटी रहेगा? तो आप लोग कहोगे सर एक अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, दिमाग खुल ही जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो आप में यूटिलिटी अभी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं आपके इस वांट सेटिस्फाइंग पावर को और ऐड कर रहा हूं, और बढ़ा रहा हूं, और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। तो हम किस चीज का काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। श्री राम किस चीज का काम कर रहा है? प्रोडक्शन का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? तो ये भी यूटिलिटी को ऐड कर रहा है। और भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये हमारा क्या है, ये मैं मान लेता हूं ये आम का पेड़ है, आम का पेड़ है। ये कौन है? तो ये मान लेते हैं राजपाल यादव है। क्या कर रहा है ये? इसका काम है इस पेड़ के लकड़ी को काट के इस शेप में ले आना, इसका काम है। अब आप मुझे ये बताओ क्या राजपाल यादव ने प्रोडक्शन किया? तो बोलोगे सर हाँ ये भी प्रोडक्शन किया। कैसे सर? जब ये लकड़ी आम के पेड़ में था तब भी इसका कुछ यूटिलिटी था, लेकिन राजपाल यादव ने थोड़ा सा मेहनत किया और मेहनत करके इस लकड़ी को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसमें और इसमें अगर मैं पूछूं ज्यादा वैल्यू किसमें है, तो सर बोलोगे आप इसमें ज्यादा वैल्यू है। तो वैल्यू कैसे बढ़ा सर? तो राजपाल यादव ने मेहनत लगाया। मेहनत लगाने का क्या मतलब है? इसको अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्या किया ये? तो सर ये प्रोडक्शन किया। क्यों प्रोडक्शन किया? क्योंकि इसने यूटिलिटी को ऐड किया। पहले इसमें कम यूटिलिटी था क्योंकि ये पेड़ में लगा हुआ लकड़ी था, इसी चीज को मैंने काट के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, इसमें इसके यूटिलिटी को बढ़ा दिया। अब राजपाल यादव का काम था काटना, और ये हमारा भाई साहब कौन है, कारपेंटर भाई साहब। अब ये कारपेंटर क्या कर रहा है, इस लकड़ी को और कुछ कुछ करके बना दिया क्या, बेंच और डेस्क बना दिया, ऐसा ढेर सारा पेयर बनाया है। हाँ ये बताओ, अब क्या सर कारपेंटर ने प्रोडक्शन किया? हाँ सर किया प्रोडक्शन। इस लकड़ी में क्या किया, इसको इस शेप में बना दिया। अब मार्केट में इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका कम है, वैल्यू बढ़ा। क्यों बढ़ा जी? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ यूटिलिटी का। एडिशन हुआ किस चीज का, यूटिलिटी का, मतलब वैल्यू हमने ऐड किया। पहले ये कम वैल्यू का था, कारपेंटर ने ज्यादा वैल्यू ऐड कर दिया, इस शेप में बना दिया, तो यूटिलिटी का क्रिएशन किया। तो यहाँ पे कारपेंटर भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है। ये कौन है? तो कलर करने वाला, पेंट करने वाला, पेंटर। इसने क्या किया, इस पे कलर कर दिया। बताओ क्या ये प्रोडक्शन का काम किया? तो हाँ सर ये भी प्रोडक्शन का काम किया। क्यों? क्योंकि इसने भी क्या किया, इसके वैल्यू को बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या ऐड किया, यूटिलिटी का एडिशन किया, और यूटिलिटी का एडिशन क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी प्रोडक्शन के मतलब में तो बताओ। बढ़ा देने का मतलब क्या है, यूटिलिटी को बढ़ा देना, और यूटिलिटी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन है। आया बात समझ में? यस सर। फल खरीदो और जूस खरीदो, आप लोग देखोगे कि थोड़ा सा महंगा आप लोग को जूस पीना लगेगा। वही चीज को आप लोग घर पे बनाओ मैंगो से या फिर जो भी से,
मे बी कम में भी पड़ जाएगा, लेकिन मार्केट में लो आपको महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी उस जूस जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है, उस रॉ मटेरियल मतलब एप्पल हो या फिर जो भी चीज हो उसमें क्या कर रहा है, मिल्क डाल रहा है वगैरह वगैरह सब डाल के उसको क्या कर रहा है, ऐसे फॉर्म में ला रहा है जिससे उसका क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू बढ़ने का मतलब यूटिलिटी का बढ़ जाना। क्या उस जूस वाला दुकानदार, जूस वाला आदमी क्या वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है? हाँ सर, वो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है। एक कपड़ा दुकानदार क्या वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है? हाँ सर, वो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है। कैसे सर? अगर नहीं रहता तो हमको क्या करना पड़ता, जाना पड़ता कहीं और या फिर ऑनलाइन करते, या फिर दुकानदार नहीं रहता कपड़ा दुकानदार, सोचो तो क्या होता, कपड़ा लेने के लिए हम परेशान हो जाते कहाँ जाए क्या करे। लेकिन क्या हुआ, उस दुकानदार की वजह से मेरा मेहनत कम गया। मेहनत वो कर रहा है, उसने जो मेहनत किया तो वो क्या किया, उसने यूटिलिटी का एडिशन किया, वो भी प्रोडक्शन कर रहा है। एक सब्जी बेचने वाला वो क्या कर रहा है सर, वो भी प्रोडक्शन कर रहा है। कैसे सर? सब्जी बेचने वाला जो सब्जी आपको लाके देता है सब्जी मंडी में, क्या आपने सोचा होगा कि ये कहां से लाता है, अगर मुझे ये काम करना पड़े तो कितना मेहनत होगा? आपके उस मेहनत को किसी उस पर्सन ने जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है उस चीज को कम कर दे रहा है, और उसी के बदले वो आपसे पैसे भी ले रहा है, यूटिलिटी को ऐड कर रहा है, वो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो प्रोडक्शन का काम करने वाले रिक्शा वाला ठेला वाला क्या वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है सर? हाँ सर, वो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है। वो भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और भी एग्जांपल है, ओला वाला क्या ये प्रोडक्शन का काम कर रहा है? हाँ सर, ओला वाला भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, वो भी सर्विस दे रहा है, रैपिडो हो गया हर एक चीज। कोई कंफ्यूजन है किसको हम लोग, मुकेश अंबानी वो तो आप लोग समझ ही सकते हो, ये भी हमारा जो मुकेश अंबानी ने जो कंपनी है रिलायंस लिमिटेड उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर, और वो क्या कर रहा है तो प्रोडक्शन का काम कर रहा है। और कोई कंफ्यूजन किसी के मन में, कोई भी डाउट है? असेंबलिंग करना आप लोग जानते क्या होता है, नाम सुने असेंबल? एक पहले आता था कंप्यूटर लेना हो तो असेंबल कंप्यूटर खरीदते हम लोग, नाम सुने हो? नहीं भी सुना होगा, देखो मैं बता देता हूँ, कुछ हुआ नहीं। जैसे कंप्यूटर लेना है तो मान लो हम लोग सीपीयू लेते, कोई एक कंपनी हो गया, एक पार्टिकुलर कंपनी का ले रहा है, वो हो गया। एक आदमी क्या कर रहा है, मार्केट से अलग अलग पार्ट खरीद रहा है, कहीं से रैम खरीद लिया, कहीं पे हार्ड डिस्क खरीद लिया, कहीं पे कुछ खरीदा, और उसी सबको असेंबल करके मतलब जोड़ के बेच रहा है। तो उसने भी प्रोडक्शन किया, उसने भी अपना एफर्ट लगाया। सिंपल सा चीज ध्यान रखना है, अगर प्रोडक्शन कब कहेंगे तो कोई भी किसी आदमी का ऐसा कोई वर्क जिसकी वजह से उसके वैल्यू में इनहेंस कर जा रहा है तो वो प्रोडक्शन है। अगर नहीं कर रहा, जैसे मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, घर में मम्मी लाती है सब्जी वगैरह, खाना उना बना के आप लोग को खिलाती है, क्या वो प्रोडक्शन है? नहीं, उसको प्रोडक्शन आप लोग को नहीं मानना है, क्योंकि वो घर की एक्टिविटी है और घर की एक्टिविटी को हम लोग प्रोडक्शन नहीं मानेंगे, सोशल नेचर का है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो भी रह गया, एक नाइक नाई वो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, एक कपड़ा सिलने वाला दर्जी वो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, एक गुब्बारा बेचने वाला वो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है। आप लोग जो भी देखते हो आपने आसपास जिसका काम होता है बेचना, वो सारा हमारा प्रोडक्शन का ही काम कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी, किसी भी टाइप का बताओ। तो प्रोडक्शन का मतलब हम लोगों ने सर अभी तक समझ लिया, और प्रोडक्शन करता कौन है, तो करने का काम करता है प्रोड्यूसर।
प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है सर? तो प्रोड्यूसर का मतलब हम लोग कह सकते हैं ओला कंपनी भी हमारा प्रोड्यूसर है, रिलायंस लिमिटेड भी प्रोड्यूसर है, एक छोटा सा कोई शॉप का दुकानदार ए एंड के सन्स टेक्सटाइल कोई ऐसा नाम होगा, तो ये भी प्रोड्यूसर है। अब ध्यान देना, कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा। हाँ सर, प्रोड्यूसर का काम ही होता है प्रोडक्शन करना। अब सर ये प्रोडक्शन तो करेगा, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए इसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इनपुट चाहिए होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए इसको क्या चाहिए? इनपुट। क्या चाहिए इसको? इनपुट चाहिए, इनपुट। मैं लिख देता हूं फिजिकल इनपुट, अब प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट चाहिए, फिजिकल इनपुट। अब क्या हुआ इनपुट? इनपुट का मतलब क्या क्या समझे सर? तो ध्यान देते हैं, इनपुट का मतलब आप लोग को दो समझना है, एक समझना है फैक्टर इनपुट, एक समझना है नॉन फैक्टर इनपुट। क्या समझना है? एक होता है इनपुट फैक्टर इनपुट, दूसरा होता है हमारा नॉन फैक्टर इनपुट, ठीक है सर। अब प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? फिजिकल इनपुट चाहिए, और फिजिकल इनपुट को हम लोग दो टाइप में समझ सकते हैं, एक फैक्टर इनपुट एक नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट का मतलब क्या हुआ सर? तो चार चीज को हम लोग फैक्टर इनपुट कहते हैं। कौन कौन सा चीज होता है? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चार चीज क्या कहलाता है हमारा? तो ये चार चीज हमारा कहलाता है फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट में क्या होगा सर? तो नॉन फैक्टर में होगा इनपुट में रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स एटसेट्रा, ये सारा। फ्यूल्स ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो, एटसेट्रा ले लो। हाँ, अब ध्यान देना, तो प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन करने के लिए उसको कुछ न कुछ फिजिकल इनपुट चाहिए, और फिजिकल इनपुट में क्या क्या होता है सर? तो फिजिकल इनपुट को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं सर। एक को कहते हैं हम लोग फैक्टर इनपुट, जिसमें क्या होता है, इसको फैक्टर इनपुट क्यों कहा गया, ध्यान रखना। फैक्टर इनपुट इसलिए इसको कहा गया क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्या चाहिए? तो ये चार चीज। इस चार चीज के बिना प्रोडक्शन संभव ही नहीं है। इन चार चीजों के बिना प्रोडक्शन संभव ही नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया फैक्टर इनपुट। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स है, जैसे रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, फ्यूल्स भी चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होता है, तो इसको भी कहा गया हमारा नॉन फैक्टर इनपुट। अब इन दोनों के हेल्प से प्रोड्यूसर का काम होता है क्या करना? प्रोडक्शन करना। और वो किस चीज का प्रोडक्शन करता है? तो फिजिकल आउटपुट का। क्या करता है? फिजिकल आउटपुट मतलब कह सकते हो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मैं कहना चाह रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज की बात करना चाह रहा हूं।
प्रोड्यूसर क्या करता है? तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, कैसे करता है? तो फिजिकल इनपुट को वो क्या करता है, कन्वर्ट करेगा किस में? फिजिकल आउटपुट में। ध्यान रखना, प्रोड्यूसर का काम क्या है? तो प्रोड्यूसर का काम है फिजिकल इनपुट, कहने का मतलब लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, रॉ मटेरियल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर फलाना फलाना जो भी हो, इन सारे को प्रोड्यूसर यूज करता है और इसी को किसमें कन्वर्ट करता है? फिजिकल आउटपुट में। एक किसान क्या करता है सर? तो एक किसान के पास क्या होती है? तो पहला सर जमीन। चलो जमीन हम लोग लिख लिए, जमीन है। क्या किसान अनाज निकल जाएगा जी? नहीं सर, नहीं निकलेगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? लेबर चाहिए। मतलब क्या, इस जमीन पे काम करने के लिए किसान को मेहनत करना पड़ेगा, या तो वो खुद मेहनत करेगा या तो कहीं मार्केट से हायर करेगा। जमीन या तो उसकी खुद की होगी या तो कहीं से वो रेंट पे लेगा, लेकिन जमीन भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। चलो सर, जमीन भी है, लेबर भी है सर, तब आप क्या, आपको जमीन दे दिए, लेबर दे दिए, प्रोडक्शन का काम कर लीजिएगा, कैसे करेंगे सर? कुछ और चाहिए दीजिएगा तब ना। क्या चाहिए जी? पैसा दीजिएगा सर। हाँ सर, पैसा क्या करेगा सब? पैसा नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ से लाएंगे? बीज वगैरह लेना है, पेस्टिसाइड लेना है, फर्टिलाइजर लेना है, इरिगेशन करना है, और बहुत सारा काम है, वो सब कैसे करेंगे? पैसा तो दीजिएगा पहले। हाँ सर, पैसा भी चाहिए हमको प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूसर कहेगा। अब प्रोड्यूसर के पास ये भी ऑप्शन है, चाहे तो वो बैंक से जाके नबार्ड से पैसा उठा ले, चाहे तो क्या करेगा वो अपने रिश्तेदार से पैसा ले आए, चाहे तो वो साहूकार से ले, चाहे तो उसके पास खुद का हो तो खुद का भी लगा सकता है। चलो जी, लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, लेकिन क्या तब भी आप लोग प्रोडक्शन कर पाओगे? बोलोगे सर लगता तो है कि कर लेगा, लेकिन आपने जैसे ही बोला ना, लगता है जो कर लेगा, जो आपने क्या कहा, लगता है, तो जैसे ही आपने ये वर्ड यूज किया तो आपने क्या किया, उस किसान को ये समझ लिया कि वो किसान सारे चीज को मैनेज करेगा। मतलब क्या, जमीन में कैसे काम होगा वो भी देखेगा, कैसे मैं इसका इरिगेशन करूंगा, कौन सा इसमें पेस्टिसाइड लगाऊंगा, कौन सा फर्टिलाइजर लगाऊंगा, कितने डिस्टेंस पे दो क्रॉप को लगाऊंगा, एलेना वेरा जो भी चीज है, वो सब मैंने क्या सोच लिया कि वो किसान ही करेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो आपने कहा कि लगता है सर कर लेगा इस तीन चीज में, तो लगने वाला जो काम किया, कौन किया? किसान किया। क्या किया सर? मैनेज किया सर। क्या किया सर? मैनेज किया। किसको? लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, कि कितना पैसा का हम क्या करें, सीड खरीदे, कितने पैसे का फर्टिलाइजर खरीदे, कितने पैसे का क्या करे। तो लेबर कैसे कैसे काम होगा, अगर मैं बाहर से रखता हूं तो कौन लेबर कितना क्या करेगा, तो ये भी मैं क्या कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं इन तीन फैक्टर पे। तो जो बंदा, जो पर्सन इन सारे फैक्टर के बीच में क्या करेगा, एक स्टेबिलिटी लाएगा, एक इक्विलिब्रियम लाएगा, मैनेज करेगा इन तीन फैक्टर को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, वो कहलाता है हमारा एंटरप्रेन्योर। अगर यहाँ पे किसान खुद ही कर लेता ये सारा चीज, तो वहां पे एंटरप्रेन्योर भी वो खुद ही है, लेबर भी वो खुद ही है। एक सब्जी बेचने वाला
मैनेज भी वही करता है, सब्जी कहाँ से लाना है, कहाँ बेचना है, कितने में बेचना है। एंटरप्रेन्योर वही है, बेच भी वही रहा है। पैसा वो कहीं से लाता होगा, या तो उसका होगा या फिर कहीं और से लाता होगा। एक पार्टिकुलर जगह होगा उसके पास, चाहे वो रेंट पे हो चाहे वो खुद का हो। कहने का मतलब है, इन चार चीजों के बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया फैक्टर इनपुट। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग रह जाएगा वो सारे कहलाएंगे नन फैक्टर इनपुट। अब सोचो, इतना सारा चीज करने के बाद ये किसान क्या करता है? तो ये किसान इन सारे चीज को यूज करने के बाद इसमें क्या करता है? यूटिलिटी ऐड क्या करता है कह सकते हो। और ये क्या कर रहा है? तो इस इनपुट को कन्वर्ट कर दे रहा है। किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? फिजिकल आउटपुट। अब ये किसान क्या कर दिया? बना लिया इतना सारा वेट का प्रोडक्शन कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपने समझा कि प्रोड्यूसर फिजिकल इनपुट को कन्वर्ट कर देता है फिजिकल आउटपुट में। ये प्रोडक्शन है, फिजिकल इनपुट का कन्वर्जन फिजिकल आउटपुट में, ये हमारा प्रोडक्शन है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या अगर मैं इसको प्रोड्यूसर कहता हूं, ये हमारा कौन है? प्रोड्यूसर, भोला राम। क्या नाम है इसका? भोला राम। बहुत ही भोला भी है, लेकिन बेचारा क्या करता है? बड़ा मायूस है। क्यों मायूस है जी? इस कंफ्यूजन में है कि अभी अभी ये प्रोडक्शन का काम किया नहीं है, या फिर कर भी रहा हो, जो भी समझना है समझो। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या ये भोला राम ये जानना चाहेगा कि अगर मेरे पास इतना जमीन है? नहीं। मेरे पास इतना जमीन है? नहीं। मेरे पास इतना जमीन है? मेरे पास एक लेवर है, मेरे पास तीन लेवर है, मेरे पास पांच लेवर है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 3 लाख रुपए है, मेरे पास 5 लाख रुपए है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये भोला राम जानना चाहेगा कि जब मेरे पास इतने इनपुट थे, एक हेक्टेयर जमीन है, एक लेबर है, 1 लाख रुपया है, भोला राम फिर क्या देख रहा है? 3 हेक्टेयर जमीन है, 3 लाख रुपया है, और 3 लोग है। 5 हेक्टेयर जमीन है, 5 लोग है, ठीक है, और 5 लाख रुपया है। तो क्या भोला राम ये जानना चाहेगा कि जब मैं इतना लगाऊंगा तब मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इतना लगाऊंगा तब मुझे क्या मिल सकता है, जब मैं इतना लगाऊंगा तब मुझे कितना मिल सकता है? क्या भोला राम ये जानना चाहेगा कि नहीं जानना चाहेगा? यस सर। कोई भी चाहेगा। आप खुद ही सोचो कि आप कोई भी बिजनेस लगाओगे तो आप सोचोगे ना कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख लगाऊंगा तो हम इतना चीज कर सकते हैं, ये चीज बेच पाएंगे, ऐसा कुछ कर पाएंगे। 2 लाख रहेगा तो हम ये चीज कर सकते हैं, 3 लाख रहेगा तो हम इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 लाख रहा तो ये कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये इनपुट चेंज करेगा वैसे वैसे वो आउटपुट भी चेंज करेगा। तो फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। ध्यान देना, ये रिलेशन क्यों आया और कैसे आया, तो ध्यान रखना, ये रिलेशन आने का कारण है। कारण ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर जब भी कुछ प्रोडक्शन का काम करने जाएगा तो ये सोचेगा, क्या सोचेगा, कि हम कितना फिजिकल इनपुट लगा रहे हैं और इससे हमको क्या मिल सकता है। प्रोड्यूसर जानना चाहेगा कि
कि हम कितना फिजिकल इनपुट लगाए तो हमको ये आउटपुट मिला, या फिर इतना हमको आउटपुट चाहिए तो कितना फिजिकल इनपुट हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ा, एक रिलेशन हम लोग देखेंगे किसके बीच का रिलेशन देखेंगे, तो फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशन देखेंगे। ये रिलेशन क्या बताएगा कि फिजिकल इनपुट इतना है तो फिजिकल आउटपुट ये मिलेगा, फिजिकल इनपुट को हम इतने से चेंज कर दिए तो फिजिकल आउटपुट उतने से चेंज हो जाएगा। लेकिन ये रिलेशन इस्टैब्लिश कौन करेगा? तो इस रिलेशन को इस्टैब्लिश करता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। ने हमेशा से कहा जहां भी फंक्शन आता है तो वहां पे रिलेशन होता है। क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? तो प्रोडक्शन फंक्शन इस्टैब्लिश करेगा रिलेशन किसके बीच में, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? आप लोग को मैंने बहुत कुछ बताया नहीं है इस चैप्टर में, मैंने अभी इस चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स दिए है कि क्या होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ। अगली क्लास में हम लोग और ढेर सारी चर्चाएं करेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।